बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। रियल टीचर चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। और इस लेक्चर नंबर 11 में आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये फर्स्ट पार्ट की मैट्रिसेस, हम चूंकि मैट्रिसेस के नेम नहीं लिखे हुए, हम कर लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3, 5, 4, 7, मैट्रिक्स बी इक्वल टू 7-5-4, 3। ए बी की प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। उसकी प्रोडक्ट फाइंड करने की वजह ये है कि जब हमने डिफाइन किया था मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हमने बाय डेफिनेशन कहा था कि मैट्रिसेस ए एंड बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटर्स होंगे, मल्टीप्लिकेट इनवर्स होंगे, अगर ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और बी ए की प्रोडक्ट भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, फिर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स होने या ना होने का जो डिसाइड हम तब कर सकते हैं जब उनकी हम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स और नॉट। मैट्रिक्स ए बी की प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं। जब आपने ए बी की प्रोडक्ट करनी है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई की जाएगी सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। 3 × 7 + 2nd एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट के साथ, 5 × -4। उसके बाद इसी फर्स्ट रो को अब मल्टीप्लाई होने वाले मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 × -5 + 5 × 3। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन होने के बाद अब हम करेंगे सेकेंड रो की मल्टीप्लीकेशन। 4 × 7 + 7 × -4। फिर इसी रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × -5 + 7 × 3। 21 − 21 − 15 + 15 = 28 − 28। ये आ गया −20 + 21। इसका मतलब ए बी की वैल्यू आ गई है 1001, जो कि एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे बी ए। बी ए को प्रोडक्ट डालने के लिए बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो है 7 − 5, इसमें मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट कॉलम 3, 4 के साथ। 7 × 3 + −5 × 4। फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5 + −5 × 7। अब इसके बाद −4 × 3 + 3 × 4। फिर इसी सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो −4 × 5 ये लिख दिया, +3 × 7 ये 21 − 20 − 35 − 35 − 12 + 12 − 20 + 21। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया है 1001। इसका मतलब ये भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। इस सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, सो देयरफॉर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेकंड पार्ट में भी यही प्रोसीजर है, इन मैट्रिसेस को चेक करना है वेदर दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, बी इक्वल्स टू −3, 2, 2, −1। हम फाइंड कर लेते हैं पहले ए बी।
आप जब प्रोडक्ट करनी है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × -3 प्लस 2 × 2। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 प्लस 2 × -1। इसके बाद करना है जी अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो है 2, 3, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है जो कि है -3, 2, फिर आ जाएगा 2 × -3 प्लस 3 × 2। और इसी रो को आप सेकंड कॉलम से करें तो 2 × 2 प्लस आ जाएगा 3 × -1, -3 + 4, 2 − 2 − 6 + 6, 4 − 3 आ गया 1001। इसका मतलब AB = identity matrix। अब इसी तरह फाइंड कर लेना है अब BA, इसका भी आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। देखिए ये BA हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ BA फाइंड कर रहे हैं, BA को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये बार बार ये बात रिपीट की जा रही है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ताकि आपको ये बात अच्छी तरह याद हो जाए कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए -3 × 1 प्लस 2 × 2। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 × 2 प्लस 2 × 3। अब मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को तो 2 × 1 प्लस -1 × 2 और इसके बाद 2 × 2 प्लस -1 × 3, ये फिर आ गया -3 + 4 − 6 + 6, 2 − 2 − 4 − 3। BA = आ गया 1001, that is identity matrix। AB की product भी identity matrix थी और अब BA की product भी एक identity matrix है, तो इस base पर हम कह सकते हैं कि given matrices are multiplicative inverse of each other। Question number 6 है जी, इसके बाद If A, B, D matrices are given, then verify first part में देखिए A, B inverse equals to B inverse, A inverse। अब देखिए इसके first part की left hand side देखते हैं बहुत से इसमें लिखा हुआ है A, B inverse find करना है आपने। देखें किसी भी matrix का inverse find किया करने के लिए आप क्यों करना है, आपने उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसका एडजॉइंट लेना है, इसके बाद इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब चूंकि हमने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, इसके लिए पहले हमें ए बी मालूम करना पड़ेगा, इसके लिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 4 × -4 + 0 × 1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 × -2 + 0 × -1। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन होने के बाद अब हमें करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड रो, -1 × -4 + 2 × 1, फिर -1 × -2 + 2 × -1, ये फिर आ जाएगा -16 + 0 - 8 - 0 4 + 2 - 2। फिर फोर ए बी को आ गया -16 - 8 = 0। ये ए बी मैट्रिक्स मालूम हो गया है। अब इस मैट्रिक्स का चूंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है, इसके लिए पहले हम मालूम कर रहे हैं डिटरमिनेंट, ए बी डिटर्मिनेंट ये हो गया। इस डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए पहले आपने डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वो डायगनल एलिमेंट्स हैं -16 × 0
फिर एक माइनस साइन लगाकर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस सिक्स इंटू माइनस एट, तो जीरो प्लस 48 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया 48। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स ए बी था, देखिए माइनस 16 माइनस 8 6 0। जब मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो गौर से सुनें, उसमें आपने डायगनल एलिमेंट्स को उसमें चेंज करना है। डायगनल एलिमेंट ये माइनस 16 और 0, इनको आप उसमें इंटरचेंज कर देना है, जबकि बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं 6 और माइनस 8 इनके आपने साइन चेंज कर देना है। ये करना होता है एडजॉइंट देने के लिए। देखो 0 और माइनस 16 को हमने इंटरचेंज कर दिया और माइनस 8 था ए बी में, एडजॉइंट ए बी में प्लस 8 हो गया, और ये 6 था ए बी के अंदर लेकिन एडजॉइंट पे ये माइनस 6 हो गया, एडजॉइंट भी फाइंड हो गया। अब ए बी इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ए बी ओवर ए डिटरमिनेंट, ये हमने कर दिया एडजॉइंट ए बी ओवर 48 ए बी डिटरमिनेंट, हर एलिमेंट को 48 से डिवाइड किया तो ये फाइनली फिर आंसर आ गया 0 6 माइनस 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 3, ये वैल्यू आती है ए बी इनवर्स। अब हमने फाइंड करने हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, इसके लिए ए इनवर्स और बी इनवर्स के अलग अलग इन दोनों मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड किए जाएंगे। पहले मैट्रिक्स ए देखिए ये है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया ये आ गया 8। अब क्योंकि हमने ए इनवर्स फाइंड करना है तो इसके लिए एडजॉइंट ए का आगे, एडजॉइंट ए के लिए डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे और नॉन डायगनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये देखिए डायगनल एलिमेंट्स हैं 4 2, इनकी जगह आपस में चेंज कर दी 2 और 4 इंटरचेंज कर दिए। नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं 0 माइनस 1 और इनके साइन चेंज करेंगे, 0 हो जाएगा प्लस 1, 0 के साथ साइन ही लिखा जाता है माइनस या प्लस, इसलिए वो उसका तो 0 ही रहा है, तो माइनस 1 था वो कब हो गया प्लस 1। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट, ये है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट, आप हर एलिमेंट को 8 से डिवाइड कर ले तो भी ठीक है, या फिर आप लिख लें मैट्रिक्स के बाहर 1 ओवर 8 इंटू 2 0 1 4, ये वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। इसी तरह अब हम मालूम करेंगे बी इनवर्स, सेम प्रोसीजर है, बी मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट लिया 6 आ गया, एडजॉइंट भी ले लिया यानी डायगनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया, नॉन डायगनल के साइन चेंज किए, एडजॉइंट भी आ गया और बी इनवर्स का रिलेशन होगा एडजॉइंट बी ओवर बी डिटरमिनेंट, तो ये आ गया एडजॉइंट बी ओवर बी डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू थी 6, आ गया 1 ओवर 6 इंटू माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 4, और इसके बाद आपको पता है कि राइट साइड के लिए हमने करना था बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए इनवर्स। अब मल्टीप्लाई करते हुए ये देखिए कि मैट्रिक्स से बाहर कुछ नंबर्स हैं 1 ओवर 6 है, ये 1 ओवर 8 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर 8 से, ये आंसर आ जाएगा 1 ओवर 48 और बाकी रह गए -1 2 -1 -4 2 0 1 4, इन दो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रोज एंड टू कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये आ गया फिर -1 × 2 + 2 × 1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लीकेशन -1 × 0 + 2 × 4, इसके बाद सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे
माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई वन। अब इसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम यानी जीरो फोर्स मल्टीप्लाई करना, वो ये प्रोडक्ट हम लिखते हैं, माइनस वन इंटू जीरो प्लस माइनस फोर इंटू फोर आफ्टर मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस टू जीरो प्लस एट माइनस टू माइनस सिक्स जीरो माइनस सिक्स। तो ये बात 48 इंटू आ गया 08 माइनस सिक्स माइनस सिक्सटीन। आप ये कंपेयर कर लें कि क्या ए बी इनवर्स की जो वैल्यू थी क्या वही बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ए बी इनवर्स की वैल्यू आई थी ये 0 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 3। और अब हम जब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड किया एग्जैक्टली उसकी वैल्यू भी यही आई है। इसका मतलब ए फ्रैक्शन 1 एंड 2 ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसका सेकंड पार्ट है, अब मैट्रिक्स ए और बी के बने सेम 100% वही प्रोसीजर है जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया है। अब आपने फाइंड वेरीफाई करना है कि डी ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। इसके लिए पहले हम डी ए की प्रोडक्ट डालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी ए की मल्टीप्लीकेशन ओ इंटू कॉलम से डी वो ये आ गई, फिर प्लस माइनस होने के बाद ये और डी ए की प्रोडक्ट आ गई 11 टू माइनस 10 4। और डी ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम मालूम कर लेंगे डी ए डिटर्मिनेंट, ये हमने डी ए डिटर्मिनेंट लिख दिया। और इसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हम डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर एक माइनस साइन लगाकर ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस 10 इंटू 2 11 4 आर 44 माइनस माइनस मिलेगा प्लस 10 2 आर 20। डी ए की वैल्यू डेटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 64। इसके बाद एडजॉइंट डी ए फाइंड करना है। देखो डी ए की ये वैल्यू थी 11 2 माइनस 10 4। एडजॉइंट करने के लिए आपने क्या करना है कि डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, यानी 11 और 4 को इंटरचेंज कर दिया और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 2 और माइनस 10 है इनके हमने साइन चेंज कर दिए कि प्लस 2 था एडजॉइंट में ये हो गया माइनस 2, ठीक है ये माइनस 10 था तो एडजॉइंट में ये हो गया प्लस 10। उसके बाद डी ए इनवर्स निकालना है, डी ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट डी ए डिवाइडेड बाय डी ए डिटरमिनेंट, ये एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए डिटरमिनेंट। आप लिखते 1 ओवर 64 इंटू 4 माइनस 2 10 11। तो डी ए इनवर्स की वैल्यू आती है ये हमने लिख दिया इक्वेशन 1 में। राइट साइड के लिए हमने फाइंड करना था ए इनवर्स डी इनवर्स, इसके लिए फिर हम ए इनवर्स अलग से फाइंड करेंगे डी इनवर्स अलग से फाइंड करेंगे। जब दोनों इनवर्स आ जाएंगे तब उसकी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंड करने के लिए 4 इंटू 2 फिर माइनस माइनस 10 इंटू 0 तो आ गया 8 माइनस 0, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 8। एडजॉइंट का अब निकालना है, तो ये डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, नॉन डायगनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज करनी है। सॉरी ये हाँ जी ए डिटर्मिनेंट 4 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इंटू 0 ए डिटर्मिनेंट 8। एडजॉइंट ए के लिए हमने डायगनल एलिमेंट्स को चेंज किया और नॉन डायगनल के हमने साइन चेंज कर दिए। अब ए इनवर्स इक्वल्स होगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट,
ये एडजॉइंट है ओवर 8 करने हैं तो आप लिख रहे हैं 1/8 2 0 1 4, ये वैल्यू मालूम हो गई है ये इनवर्स की। इसी तरह अब हम बी इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स तो मैट्रिक्स डी, और सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट कर लेते हैं 3 1 1 2 2, और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम करेंगे 3 × 2, यानी पहले डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 2, फिर माइनस साइन लगाकर नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो -2 × 1 = 6, -- हो जाएगा +2 × 1 = 2, 6 + 2 होता है 8, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 8। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट डी। एडजॉइंट डी के लिए मैट्रिक्स डी देखते हैं, इसमें डायगनल एलिमेंट्स हैं 3 2, इनकी प्लेस चेंज कर देनी है, इनको इंटरचेंज कर देना है, तो 2 जो है वो 3 की जगह पर आ गया, 3 जो है वो 2 की जगह पर आ गया, इंटरचेंज हो गए, और बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं 1 - 2, इनके हमने साइन चेंज कर दिए। एडजॉइंट डी के बाद अब डी इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाई डी डिटरमिनेंट, 2 - 1 2 3 over 8, आप इसको लिख सकते हैं 1/8 × 2 - 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि मैंने हर एलिमेंट को 8 से डिवाइड करने की बजाय बाहर मैट्रिक्स के बाहर लिख दिया है 1/8। इसकी एक वजह है कि वजह ये है कि बाद में जब आपने ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड करना है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर 8 से डिवाइड कर दे तो यहाँ ब्रैकेट मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, ओवर की फॉर्म में आ जाएंगे। ओवर वाली यानी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाद में आपको एलसीएम भी लेना पड़ सकता है, इसलिए उसका ज्यादा इजी मेथड ये होता है कि जब आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह के जो कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा होता है मैट्रिक्स, जिस तरह यहाँ पर 8 से डिवाइड हो रहा था, इसका ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि इसको बाहर मैट्रिक्स के बाहर 1/8 लिख दें, ताकि जब हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है फिर वहाँ प्लस माइनस भी आना है, तो वहाँ फिर हमें एलसीएम लेना ना पड़े। ये सबसे इजी मेथड है, तो आपने इसी अप्रोच को से फॉलो करना है, तो ये काफी ज्यादा इजी मेथड है, इसीलिए बार बार आप इस मैथड से जा रहे हैं। देखें 1/8 और 1/8 मल्टीप्लाई होकर हो गया 1/64। अब ये जो मेडिसिन है इनमें कोई ओवर की फॉर्म नहीं आएगी, इनको मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है, बजाय कि आप इसकी फ्रैक्शन बना लें, उनको कैंसिल करें, बाद में एलसीएम लेते रहे, ये इजीएस्ट अप्रोच है, तो हमें इजी अप्रोच की तरफ ही जाना चाहिए। और मैं बार बार उससे पहले भी कहता हूँ कि कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट को सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, इस पर हमारा फोकस होता है, मेरा फोकस या इस बात पर होता है, अगर एक कोई टॉपिक हम स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो देखिए सबसे सिंपल उसके वर्ड्स क्या हो सकती है, सबसे सिंपल या इजी टेक्निक क्या हो सकती है, उस तरह बिल्कुल इजी से मेथड से अगर स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया जाए तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। एनी हो, मेरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला की मर्जी उतना बेहतर हो जाएगी। सोचो ये 1/64 और अब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वही अप्रोच, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की को मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकंड मैट्रिक्स की फॉर्म के साथ, तो 2 × 2 + 0 × 2, फिर इसी फर्स्ट को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × -1 + 0 × 3। अब हम करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन, 1 × 2 दिया गया +4 × 2 ये, और इसी तरह इसी रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 − 1 + 4 × 3 दिया गया 4 + 0, और ये −2 + 0 2 + 1 − 1 + 12, 4 − 12 1/64 × 4 − 2 10 11। चेक ये करना है कि क्या ये ए इनवर्स
डी इनवर्स की प्रोडक्ट थ्री है, जो भी थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ डी नहीं आना था, डी नहीं आना था बल्कि टी आना है। क्या ये प्रोडक्ट वही है जो ए डी ए इनवर्स की प्रोडक्ट थी? क्वेश्चन वन देखिए, क्वेश्चन वन में ए डी की डी ए इनवर्स की प्रोडक्ट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो आंसर आया था जी ये है क्वेश्चन नंबर वन के अंदर, 1/64 इंटू 4 - 12 = 10 11, और सेम यही अब आंसर आ गया है ए इनवर्स डी इनवर्स का, तो जो कि हमने क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है ये सेम आंसर है फ्रॉम क्वेश्चन वन एंड टू, इट इज प्रूव दैट के साथ ही ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से आएगी, आनी चाहिए। ठीक है जी, इसके साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफिज।